जय हिंद दोस्तों। देखो यार, आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संधि। ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिस पर ये ना पूछा जाता हो। और इस बार अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी कर रहे हो तो फिक्स है कि इसमें से एक या दो नंबर तो जरूर आएंगे। मैं कह सकता हूँ कि दो नंबर तक आ सकते हैं रियलिटी में, लेखपाल में खास करके। और देखो, अगर आप कोई भी परीक्षा तैयारी कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो एवरीवेयर आपको देखने मिलेगा कि हिंदी रहेगा, और हिंदी रहेगा तो आपको संधि देखने को जरूर मिलेगी। संधि एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें मैक्सिमम लड़के मात खा जाते हैं। इसमें कुछ कुछ चीजें होती है, उन्हें लगता है कि यार इसमें क्या था, उसमें क्या था, इसमें क्या था, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक बता दूंगा। ट्रिक तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक एक ऐसी चीज होती है जो लड़कों को तो कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, लेकिन उनका काफी ज्यादा समय नुकसान कर देती है। भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में और फिर ये खराब हो जाता है। तो मतलब एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके तहत आप इसे इस प्रकार से याद रख लोगे कि आपको भविष्य में और वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप शायद कभी मत भूलिएगा। ठीक है, मतलब नहीं भूल पाओगे। देखो, आज जो संधि है इसे पढ़ाने के लिए हम कुछ स्ट्रक्चर, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उनका सहारा लेंगे। अगर आप बिल्कुल सही से देखोगे वीडियो को कंटिन्यू, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बीच में बताई जाती रहेंगी, तो उनके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। और जब आप पूरा देखोगे वीडियो को, तभी आपके समझ में आएगा कि यार हाँ, शुरुआत कहाँ से हुई थी। अगर बीच में आओगे स्टोरी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, पहला चीज जो ये टॉपिक है संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्त कि रोज रोज देखने से अच्छा है, रोज रोज पढ़ने से अच्छा है, एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के बकायदे पढ़ लिया जाए तो ज्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है, कहते हैं ना कि महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। अगर आप थोड़ा महंगा पढ़ते हो इस वीडियो को देखकर, फिर भी अगर आप इसे सही से देख लेते हो तो आपको भविष्य में देखने की या दिक्कत होने की कोई सप्ताह नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, जो संधि है, पहले चीज जान लीजिए संधि क्या है। ठीक है, संधि क्या है? जो संधि होती है किन्हीं दो वर्णों का मेल होता है। क्या होता है? दो वर्णों का मेल। इसमें कोई शब्द रहेगा, इसमें कोई शब्द रहेगा, तो प्रथम जो शब्द रहेगा उसका लास्ट का वर्ण और जो सेकंड नंबर का शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, दोनों मिलकर किसी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से दोनों शब्द में क्या होता है? संधि होती है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न शब्द में विकार को संधि कहते हैं। जैसे देखो, अगर आपके सामने कोई भी चीज देखने को दे दिया जाए, जैसे प्रत्यार्पण। ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे के पास जो अर्पण कर रहे हो, प्रत्यार्पण होता है। ठीक है, मतलब प्रतिधन अर्पण। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई दो वर्ण मिलते हैं, यानी कि दो शब्दों के दो वर्ण जब मिलकर किसी एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उस शब्द में क्या होता है? विकार होता है, और फिर वह संधि का रूप धारण करके एक नए शब्द का निर्माण कर देती है। ठीक है, ये है कुल मिलाकर संधि की जो करनी है, मतलब संधि क्या करता है, ये चीज है। अब देखिए, अब इस संधि के बारे में जानिए कि संधि जो आप पढ़ रहे हो क्या है, कैसे है, क्या होता है। देखो, जो संधि होती है इसके बारे में जान लो कि यह कुल मिलाकर तीन प्रकार की होती है। ठीक है, आप में से कोई लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। पहला संधि जो होता है वो होता है स्वर संधि। क्या होता है? स्वर संधि। ठीक है, यह स्वर संधि है। दूसरा होता है आपका व्यंजन संधि। क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, तीसरा होता है आपका विसर्ग। ये तीन संधि के प्रकार हैं, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो इनमें से ये जो वीडियो बनने वाली है, इनमें आपको आज स्वर संधि के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में बताया जाएगा। स्वर संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर में आपका इंपॉर्टेंट टिप्स की वजह से व्यंजन आता है। थर्ड ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, खैर कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है लेकिन। ठीक है, तो ये तीनों संधि है, तीनों बहुत ही सरल है, मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये तीन है, तीन में से आज बात करने वाले हैं हम स्वर संधि के बारे में। तो इनमें चलिए शुरू करते हैं। देखो, स्वर संधि जो होती है इसे भी हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? पांच भागों में। कितने भागों में? पांच भागों में। देखो कौन कौन है उस स्वर संधि का। पहला है क्या होती है? दीर्घ संधि। दूसरा होता है गुण संधि। तीसरा होता है वृद्ध संधि। चतुर्थ है यण, और पंचम है अयाध संधि। स्वर संधि का मतलब ये होता है दोस्त कि जितनी भी संधियां होंगी वो स्वर में होंगी। किसमें होती? ये होंगी स्वरों के अंतर्गत होती है। इसमें होती है। अब देखो, ये जो संधियां हैं इनमें से पहली संधि है आपका दीर्घ संधि।
देख संधि बहुत इजी बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है मजाक नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। इसमें जो दीर्घ संधि है बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीर्घ संधि इतना सरल है कि शायद मुझे भी ज्यादा मालूम होगा कि आपको चीज पहले से ही मालूम है। जब किसी शब्द के आखिरी शब्द मतलब प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों ही स्वर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दोनों ही स्वर होते हैं, उस स्थान पे स्वर संधि होती है। लेकिन दोनों एक ही वर्ण हो, स्वर के एक ही वर्ण हो, उस जगह पर क्या होता है, उस जगह पर होता है आपका दीर्घ संधि, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने पहले से ही लिख के रखा है आपके लिए ये उदाहरण, ठीक है, इसका कारण ये है, कुछ गलत ना सोचना, इसका कारण ये है कि जितने भी उदाहरण है ये कई बार पूछे गए हैं। क्या है, कई कई बार पूछे गए हैं, तो जब हम आपको बता ही रहे हैं तो क्यों ना हम किसी इंपॉर्टेंट को बताएं। हो सकता है अगर इनका रिपीटेशन हो गया, मतलब ये रिपीट किए गए, तो आपका विचार फिर से बन जाएगा। और कई बार ये रिपीट किए गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, मतलब दो से तीन चार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि इसे पहले से क्यों ना लिख ली जाए, भाई भूल जाएंगे, थोड़ा अलग चीज होता है। चलिए देखते हैं। अब संधि में आपने जान लिया स्वर को, स्वर में आपने जान लिया दीर्घ को। दीर्घ एक उदाहरण होता है आकाश सवर्ण दीर्घा, ठीक है। अब आप देखो इसका जो कंडीशन है दीर्घ संधि का वो इस प्रकार से है कि दीर्घ संधि में जब कोई स्वर्ण, जब कंडीशन ये है कि जब कोई स्वर के बाद वही स्वर पुनः आ जाता है, ठीक है, जैसे ये विद्यालय है, ठीक है, क्या है विद्यालय, तो विद्यालय का होता है विद्या धन आलय, क्या होता है विद्या धन आलय। तो देखिए जो विद्यालय का लास्ट है ना ये विद्या, आप अगर इसका उच्चारण करोगे विद्या आ रहा है आखिरी में, और आलय आलय के शुरुआत में भी आ रहा है, तो दोनों में क्या देख रहे हो आप, दोनों एक ही वर्ण है, यहां पर भी आ है, ठीक है, और यहां पर भी आ है, ठीक है, तो दोनों एक ही वर्ण है, देख लीजिएगा। तो हमेशा जब किसी वर्ण के सामने वही वर्ण आता है, जब किसी शब्द के सामने वही वर्ण आता है, उस स्थिति में क्या होता है, हमारा दीर्घ संधि होती है, ठीक है। तो आपको दीर्घ संधि बहुत इजी है, बहुत इजी है यार, इससे तो पढ़ना भी समझ लो थोड़ा वो है। विद्यार्थी को बता देते हैं आपको, विद्यार्थी इसका होता है विद्या का अर्थी, ठीक है, विद्या के अर्थ से आने वाला, ठीक है, कहते हैं ना विद्यार्थी, विद्यार्थी आइए सेवा से जाइए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो विद्यार्थी यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, दोनों मिलकर बड़े आ में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यह भी दीर्घ संधि है, ठीक है। अब देखिए अब जो अगला प्रोसेस है वह है हमारा गुण संधि, ठीक है, क्या है, गुण संधि है। गुण संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, गुण संधि से कई क्वेश्चंस आते हैं, खैर इंपॉर्टेंट तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं पांचों ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें भी जो मैं अगर मैं कहूं तो गुण संधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग हमेशा गलत क्या करते हो, देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूं तो मैं समझ सकता हूँ आपके लोगों की कमी क्या होती है, कहां पर आप हमेशा भूल जाते हो, जैसे इसके आ के बाद आ आता है, ई के बाद ई आता है, ऊ के बाद ऊ आता है ना, तो इस प्रकार से इसमें ऐसा नहीं है, तो यही चीज आप भूल जाते हो यार ये गुण था कि वृद्ध था, गुण था कि वृद्ध था, आपको समझ नहीं आता, हमेशा ये कंफ्यूज होते हो। लेकिन देखो मैं आपको बता कह रहा हूं आज, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप देखिए यहां पर ये है आ आ, ये है ई ई, ओ ओ, ए ए, ओ औ, बस आगे संधि नहीं होती है, ठीक है, इतने में ही होती है। अब आप देखिए मैं ध्यान से, अगर हम कोई चीज को जब हम क्रम से पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हमेशा हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। इस प्रकार से आपको पहले यह जानना होता है कि जो क्रम से संधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो क्रम से हमेशा जो मैं बता रहा हूं दोस्त, अगर आप इसे फॉलो कर लेते हो एक बार तो मेरा यकीन मानिए वो कभी दिक्कत नहीं होगा। आप इन्हें क्रम से याद कर लीजिए, होता क्या है दीर्घ संधि होता है, मतलब आपका दीर्घ तो है ही, उसके बाद आपका होता है गुण संधि, गुण के बाद आपका जो गुण है उसकी वृद्धि होती है यानी कि वृद्ध संधि होती है, फिर एक अड़चन आता है यानी कि यड़ संधि होती है, आदि आदि, ठीक है, इस प्रकार से अयाद संधि हो जाती है, इस प्रकार से हम इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है, एक क्रम वाइज। अब उसके बाद देखिए इन्हें मैं कहां सेट कर रहा हूं, इनमें सेट कर रहा हूं, इसे आपको याद होगा आ ई ऊ ए ऐ ओ औ, ठीक है, जब आपको ये क्रम से याद है तो आप सेट करिए। देखो
अगर इसके सामने यही आता क्या होता है, हमारा दीर्घ संधि उदाहरण की पहले सामने जो पहला आता था पहला हो जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हम इसके बाद इसको लाते हैं, क्या लाते हैं, यहां पर एक चीज भूल गए हैं, इसका होता है री रिसी, ठीक है, क्या होता है, रिसी होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। अब देखो अगर इसके बाद हम इन्हें लाते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। फिर सुन लो, यदि इनके बाद अगर हम इन्हें लाते हैं या ये आ जाते हैं, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। री रिसी तक कह रहा हूं, ठीक है, इन्हें इस कंडीशन हमारा गुण संधि हो जाता है। जैसे जैसे यहां लिखा है ना कि महेश और राकेश, ठीक है, तो देखिए इनका संधि विच्छेद क्या होता है, महा धन ईस, ठीक है, क्या होता है, महाधन ईस। अब इसमें देखिए इसका जो लास्ट शब्द है वो क्या आ रहा है, आ रहा है, मैंने कहा ना कि जब इनके बाद ये आते हैं इसका मतलब कि यहां पर बड़ा आ चुका है ये, ठीक है, उसके बाद आ रहा है क्या, ईस, ईस मतलब होता है भगवान, तो ये क्या है, बड़ा ई है, क्या है, बड़ा ई, तो बड़ा ई किसमें है, इसमें है। इस प्रकार से क्या होगा, गुण संधि। कभी कभी करता क्या है कि वह आपको संधि दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई एक कौन सी संधि है, या कभी कभी आपको एक शब्द दे देगा और कहेगा कि यह कौन सा संधि है, इसका संधि विच्छेद कौन सा सही है निम्नलिखित में से, ठीक है। तो ऐसे सवाल को भी आपको तैयार रहना चाहिए। मैं तो ज्यादा जानता हूं ये सीधा नाम तो नहीं देता है, लेकिन ऐसा कुछ कंडीशन देता है, उसमें कोई पहचानना होता है, या शुद्ध संधि विच्छेद लिखिए आपको ये दे देता है। आपको शुद्ध संधि विच्छेद चुनने को कहां पर देगा, व्यंजन संधि में देगा, हमेशा रखिएगा ये व्यंजन में पूछता है, क्योंकि व्यंजन में होता क्या है कि कहीं और की चीज कहीं और जुड़ जाती है जाकर, इसलिए वो विस्मित करता है, और यहां पर संभवतः वो नाम पहचानने को देता है, ठीक है। अगला देखिए, अब इसमें क्या है, महाधन ईस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ए बन जाते हैं, ठीक है, क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं, ये चीज हमेशा रखिए, आगे बाद अगर ई आती है तो ए हो जाते हैं, और उसके बाद ये बनेगा क्या, मा ए इसमें जुड़ जाएगा, हे स, ठीक है, ये चीज हो जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि आपकी गुण संधि आ गई। तो अब आपको देखो स्ट्रक्चर ध्यान समझिएगा कि आ के बाद अगर ये आ रहे हैं इतने भाई साहब, उसमें आपका क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो गुण के बाद क्या हो रहा है, आपकी वृद्धि हो रही, तो गुण के बाद क्या होता है, वृद्धि संधि। तो जब आपका वृद्धि संधि होगा तो उसमें उसके बाद ये स्टेप कहां पहुंच जाएगा, ये स्टेप क्या हो जाएगा, एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि एवरीथिंग क्रम से सेट है, लेकिन आप लोग करते क्या हो, ये सोचते हो आ के बाद ई आता है तो होता है, या के बाद ऊ आता है तो होता है। अब आप देख लो, अगर आ के बाद ई आता है, या आ के बाद ऊ आता है, या आ के बाद री रिसी आता है, उस सभी कंडीशन में क्या होगा, आपका गुण संधि होगा। लेकिन अगर आ के बाद, यानी आ या आ के बाद क्या आता है, ए आता है, ए आता है, या ओ या ओ आता है, उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका होगा क्या, वृद्धि संधि। क्या होता है, वृद्धि संधि। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें दो हमने उदाहरण लिए हैं, ये दो उदाहरण में इसलिए लिए हैं यार क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है और ये कई बार पूछा गया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, सदैव और नयन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार लेखपाल में पवन ने पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए ये जो सदैव है ना, इसका होता है सदा धन एव, क्या होता है, सदा धन एव, देखिए ये है सदा धन एव, कहीं कहीं आपको ऐसा मिल जाता है इसका संधि, और कभी कभी आपको ऐसा मिलता है, लेकिन रियलिटी क्या है, ये है एव, ठीक है। अब देखिए आपके आ सदा के अग्रिम क्या है, आ रहा है, ठीक है, हाँ बड़ा है, तो उसके बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, जब ए आ रहा है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि आ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, तो जब ये आ के बाद आते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे गुण की वृद्धि, यानी कि वृद्धि संधि होती है, ठीक है। तो आप ये जब जुड़ जाएगा दोनों, तो आ बड़ा आ और ए दोनों मिल क्या हो जाएंगे, ऐ हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका बनेगा क्या, सदैव, ठीक है, ये आपका सदैव हो जाता है, ये दोनों मिलकर आपका क्या हो जाते हैं, आय बन जाते हैं, ठीक है, तो सदैव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि आपकी जो वृद्ध संधि है आपको समझ में आ चुकी होगी। इस
सेंटेंस जो लिखा गया है इसमें क्रम को देखते हुए। अब देखिए, अब मजा आएगा। मजा क्या है कि दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया और ये क्रम भी हो गया। अब देखिए, अब नियम ये है कि जब भैया हमारा इनका हर जगह हो रहा है तो अदर का भी तो इसी प्रकार से होगा कि नहीं होगा, अदर का भी होगा। अब देखिए कैसे होगा। जो यण साहब है, यण साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरे बाद, किनके बाद, इनके बाद, अब ये मेल हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब अगर मेरे बाद अगर ये दिखाई दे गए, ये तो दौड़ा ही मारा, दौड़ा ही मारा मतलब कि ये गांव का सब सब है, ठीक है। ये देखो, अगर इनके बाद ये और ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यण संधि। अब कैसे होगा देखो, इनके बाद, इनके मतलब कि ई ओ उ और ऋषि के बाद कोई भी वर्ण अगर आता है उस कंडीशन में उनका यण होगा। कैसे देखो, यण संधि का जो होता है यद्यपि है, ठीक है, यद्यपि होता है यदि धन अपि, क्या होता है, यदि धन अपि, यदि धन अपि है। अब इसमें आप देखो ध्यान से, इसका जो आखिरी में शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या है, आखिरी में शब्द जुड़ा हुआ है, यह छोटी ई, क्या है, छोटी ई है। लेकिन जो दूसरा का शब्द है ये क्या है, आ है, क्या है, आ है। तो इनमें आप ध्यान देखोगे तो ई के बाद अगर आ रहा है तो कहां जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके बाद अगर कुछ भी आता है, ई उ उ और री सी के बाद कोई भी अदर वर्ड आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर यह भी आ जाता है तो भी लागू होता है, ठीक है। कभी कभी ये कहते हैं ना कि अगर मान लो ई के बाद वो आ जाता है तो क्या होता है, तो ई के बाद वो आ जाता है फिर भी अच्छे नियम लागू होता है, ठीक है। तो इनके बाद अगर कोई भी ये आ जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे और ये किसका निर्माण करेंगे, यण संधि का निर्माण करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यद्यपि, ठीक है, यदि धन अभी दोनों मिलकर यद्यपि का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से इति धन आदि होता है इत्यादि, ठीक है, हो जाते हैं। अब देखिए अगला जो है हमारा अयादि संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। अयादि, अयादि साहब क्या कहते हैं कि भैया देखो तुम सबका हो गया, थोड़ा हमारा भी हो जाने दो यार, मतलब होता है ना कि भैया सब किसी के कहीं ना कहीं मिलना, हमारा भी कहीं हो जाने दो, ऐसा कुछ। तो ये कह रहे हैं भैया कि हम अकेले कहे पड़े रहे, जब सारी दुनिया ही पीछे पड़ गई है उस चीज के, तो हम काहे पीछे रहे। तुम्हें ये साहब कह रहे हैं कि अगर ए ए ओ ओ, इनके बाद ये या इनके बाद ये, ठीक है, या इनके बाद ये या इनके बाद ये, कोई किसी के बाद आता है या इनके बाद ये आते हैं, समझ रहे हो बात को, मतलब अगर ये है ये, तो इनके बाद कोई भी आ जाए या इनके बाद कोई भी आ जाए, ठीक है, सब, उस स्थिति में क्या होगा, आयादि संधि होगा। क्या होता है, आयादि संधि होगा। लेकिन इनका ग्रुप क्या है, इनका ग्रुप ये है कि इनके बाद, इन चारों में से किसी के बाद कोई भी आ जाए, एवरीथिंग कोई आ जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, अयादि संधि होता है। क्या होता है, अयादि संधि। देखो कैसे होता है, अयादि संधि में दिया गया है नयन, पवन, ध्यान दीजिए, ये दोनों इस प्रकार से है कि आपको इनका हमेशा क्या दिया जाता है, संधि विच्छेद दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, संधि विच्छेद, और कहेगा सही संधि विच्छेद है वो बताइए, तो ये जगह फंस जाओगे, या तो इनको कहेगा आप संधि विच्छेद करिए, वो जानता है कि आप कंडीशन है कि अयादि को पहचान सकते हो, वो हमेशा कहेगा इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। ये चीज आप ध्यान से देखिए रहिएगा, ठीक है। नयन का संधि विच्छेद जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश आपको समझना जरूरी है। देखो नयन का होता है नय, क्या होता है, नय धन अन, क्या होता है, नयन। इस कंडीशन में आप देखोगे भाई कि नय क्यों हो गया, ना धन यन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो नय है, नय से क्या दिख रहा है कि ए प्लस आ, ठीक है, क्या हो रहा है, ए धन आ, तो ये है ए, इसके बाद क्या आ गया, ये आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, अलग अलग शब्द कई शब्द है, तो इस प्रकार से कोई भी आ सकता है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमारे अयादि संधि का निर्माण कर देंगे। अगर किसी शब्द के आखिरी में आप देख रहे हो कि ए है और आ है, ए है ओ है, ए है ई उ आ, कुछ भी,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, आयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, ये नयन बन जाएगा। ठीक है, ये सभी कुछ उदाहरण थे जिनके माध्यम से यानी जिनका सहारा लेते हुए हमने आज आपको एक ऐसा तरीका बताया है जिसके तहत मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रहता है, आपको क्रम का ध्यान रहता है, आपको क्रम से नाम याद रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको होगा क्या कि आपको सभी संधियां मालूम हो जाएंगी। दोस्त मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि संधि ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जहां से न पूछा जाता हो, और मैक्सिमम लड़के गलत करके चले जाते हैं, यानी कि गलत करके चले जाते हैं। जब आप गलत कर दोगे तो कोई ना कोई बंदा आपका लाभ खाएगा, आप घर में बैठे रहोगे सोचोगे कि यार मेरा अगर ये क्वेश्चन ना गलत होता तो शायद आज मैं इस बंदे से आगे होता और मैं सिलेक्शन ले लिया होता। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि उठो और जागो। ठीक है, ये है स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य, उठो जागो तब तक ना रुको जब तक आपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको यह वीडियो पूरी तरह पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, लेखपाल की पढ़ाई हो ही रही है, प्ले लिस्ट बनी है, उसमें आप सभी वीडियोज को देख सकते हो हिंदी के जो पिछली है। अगर आपको हिंदी की और भी चीज तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको एवरीथिंग देखने को मिलेगा। लगभग लगभग आपको जीके भी पढ़ाई जाएगी जिनमें से आपको संडे से साथ कई इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी चर्चा किया जाता है। तो दोस्त समय नहीं है, वेट मत करो किसी चीज का, आपको कुछ करना है तो आगे बढ़ो, खोल पंख, दुनिया उड़ान देखती है, यहाँ जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखती है। ठीक है, ये आपको जानना चाहिए कि दुनिया में एवरी पर्सन किसी न किसी चीज के लिए अपने लगा पड़ा है, उनमें से कुछ है जो कि आप जिस नौकरी तैयारी कर रहे हो उनमें भी लगे पड़े हैं। आप अगर सोओगे तो अगला जागेगा, उस कंडीशन में होगा क्या कि आप सोते ही रहोगे और अगला हमेशा सोने के लिए जागेगा। ठीक है, देखो अगर आज आप सोते हो तो भविष्य में आप फिर बकायदे काफी किस्मत भी सो सकती है, लेकिन अगर आज आप जागोगे, मेहनत करोगे, आलस को त्याग दोगे, उस कंडीशन में होगा क्या कि भविष्य आपके लिए जो फूल होता है ना उसे बिछाए रखेगी कि आइए महाराज आपका स्वागत है अपने इस कर्मशील धरती में। ठीक है, कर्मशील फ्यूचर में आपने इसे अपने भुजार के दम पर इसे इसका निर्माण किया है। तो मुझे लगता है कि बस ठीक है, ये वीडियो इतने में खत्म करना उचित है। ये संधि आज पढ़ाई गई आपको, अगर आपको लगता है कि किसी और बंदे के लाभ होना अच्छा है तो अभी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शिक्षा चीज है कि जिसे जितना शेयर करो उतना ही आपके पास बढ़ता है। ठीक है, और लोग कहते हैं शिक्षा वहां शेरनी का दूध है, जिसे जीवन जो भी पिएगा वही धाड़ेगा। ठीक है, तो ये ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।